हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डी के। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। जी हाँ, इसने आज अपना क्वार्टर फोर रिजल्ट क्लियर किया है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट है वो कैसा आया है। तो आप देखो, जो टोटल वैल्यू ऑफ दे रखी है इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है। तो आप देखो, टोटल इनकम है, टोटल रिवेन्यू आप जिसको बोल सकते हो, जो अब की बार हुआ है वो 1512 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप देखोगे 1593 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें जो रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, अगर बात करूँ वाई ऑन वाई की, तो वहाँ पर आप देखोगे हमें जो है रिवेन्यू में जंप देखने को मिला है। अगर बात करूँ इसके एक्सपेंस की, यानी टोटल खर्चों की, तो आप देखोगे अब की बार जो इसके एक्सपेंस रहे प्रीवियस क्वार्टर में, अब की बार जो इसके एक्सपेंस रहे वो 1279 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 1249 करोड़। यानी कि अब की बार जो इसके एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा है। अगर बात करूँ मैं इसके, आप देखो इसका जो टोटल रिवेन्यू है वो इसके एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे अब की बार जो इसको प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स, जी हाँ, वो आप देख सकते हो 220 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 311 करोड़, और प्रीवियस मार्च क्वार्टर की हम बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे 251 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में गिरावट, और जो है वाई ऑन वाई भी हमें जो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर फोर रिजल्ट जो इसका आया है प्रॉफिटेबल आया है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से हमें जो इसके अंदर कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्टों के बारे में जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।